देखो, कल अपन ने पाचन टॉपिक में माउथ के अंदर डाइजेशन और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था कि आमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, आमाशय में बताया था आपको कि गैस्ट्रिक जूस के द्वारा मुख्य रूप से भोजन का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। उसके बाद भोजन आमाशय से स्टोमच से किस में प्रवेश करता है, छोटी आंत में। लेकिन छोटी आंत में जब भोजन प्रवेश करता है तो उसमें हमारे लीवर से लेकर के क्या आता है, पदार्थ आता है जिसको हम पित्तरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगला ऑर्गन पाचन के दौरान सहायक ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अगर लीवर के बारे में देखें तो इसको हिंदी में यकृत भी कह देते हैं, जिगर भी कह दिया जाता है, और दूसरा नाम क्या लिया जाता है, कलेजा कलेजा। लिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहली चीज देखें तो लीवर के लिए लैटिन वर्ड यूज किया जाता है हिपेट। कौन सा वर्ड यूज होता है, हिपेट। देखो लीवर के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज हो रहा है, हिपेट हो रहा है। अगर हम ब्लड के लिए देखें तो ब्लड के लिए इंग्लिश में मुख्य रूप से कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, लैटिन वर्ड, हिमेट। एक अक्षर का अंतर है केवल। लीवर के लिए तो कौन सा है, हिपेट, और रक्त के लिए कौन सा है, हिमेट। अब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम इसके आगे लॉजी वर्ड जोड़ देते हैं तो लॉजी का अर्थ क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। तो लीवर के आगे यानी हिपेट के आगे हमने लॉजी वर्ड जोड़ दिया तो हिपेटोलॉजी किसका अध्ययन हो गया, लीवर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन हो गया। ठीक है, स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाएगी, हिपेटोलॉजी। अगर वहीं पर हम ये पूछें कि ब्लड की स्टडी को क्या कहेंगे तो ब्लड की स्टडी को किस नाम से जाना जाएगा, हिमेटोलॉजी। तो एक अक्षर का अंतर है यहाँ पर, हिपेटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाएगा, लीवर का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो यह हो गई इसकी स्टडी से संबंधित कि लीवर की स्टडी को, अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, हिपेटोलॉजी के नाम से। दूसरा पॉइंट इससे संबंधित आता है, लीवर हमारी बॉडी के अंदर पाई जाने वाली क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन अवर बॉडी। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। ठीक है, अब आपको देखो ग्रंथि टॉपिक के बारे में इससे पहले जब सेलाइवा ग्लैंड्स बताई थी तब बताया था कि ग्रंथि का अर्थ क्या होगा, जो हमारे शरीर का कोई भी अंग है अगर किसी पदार्थ को क्या करता हो, सिक्रिएट करता हो, मेटेरियल को सिक्रिएट करता हो, किसी पदार्थ को छोड़ता हो, तो वो अंग क्या कहलाएगा, ग्रंथि कहलाएगा। और हमारे लीवर के द्वारा भी क्या छोड़ा जाता है, पदार्थ, तो वो भी क्या कहलाएगा, ग्रंथि कहलाएगा। अब ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का वेट जो पाया जाता है, इस ग्रंथि का भार जो होता है, वो होता है लगभग 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक। कितना होता है, 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम क्या पाया जाता है, मुख्य रूप से लीवर का वेट पाया जाता है। ठीक है, तो लीवर का वेट कितना हो गया, 1.2 से 1.5 किलोग्राम। ठीक है, ऊपर या गुरु जी उल्टा साइड कर रहा है। आई तो ना इसमें को बाहर को आगे ही हल्की सी नीचे नीचे वो अपना हाई पर इसने बताया कोई नोट कट कर दें, बता दे कहाँ सीख गई। के अलावा सांप ऐसा कौन सा होता है जिसकी पूंछ कटने पर दोबारा उत्पन्न हो जाती है। अगर आपसे सांप पूछा जाए, सर्प पूछा जाए, जिसकी पूंछ दोबारा से उत्पन्न हो जाती हो कटने के बाद, तो ऐसा सर्प कौन सा होगा। देखो याद रखने के लिए मात्र एक पॉइंट याद रखना है, रटना नहीं, नाम को रटोगे तो भूल जाओगे। देखो हमने क्या कहा, ऐसा सर्प जिसकी पूंछ कटने पर क्या हो जाती हो, दोबारा उत्पन्न हो जाती हो। देखो दोबारा आने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, री, और पूंछ को क्या कहा जाएगा, टेल। क्या कहा जाएगा, टेल कहा जाएगा, री टेल। अब री टेल तो सर्प का नाम नहीं हो सकता, इस सर्प का नाम पाया जाता है रेटल। क्या होता है, रिटेल याद रहेगा तो रेटल आसानी से याद रह जाएगा वर्ड। ठीक है, तो रेटल स्नेक ऐसा है जिसकी पूंछ कटने पर क्या हो जाती हो, दोबारा आ जाती हो। याद कैसे रखा, दोबारा आना लिखा तो दोबारा आने को इंग्लिश में री बोला, पूंछ
पूंछ आती है दोबारा, तो टेल वर्ड लिख दिया अपन ने, तो री टेल यानी रेटल स्नेक ऐसा है जिसकी पूंछ कट के दोबारा उत्पन्न हो जाती है। तो दोबारा बनने की क्षमता को ही अपन ने क्या कहा था, रीजनरेशन कहा था। और ये रीजनरेशन जो होता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, किस अंग के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है। अगर इसकी क्षमता सबसे कम देखें, जो रीजनरेशन की क्षमता न्यूनतम देखें, लोवेस्ट देखें, तो न्यूनतम पाई जाती है हमारे मस्तिष्क के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर। अब देखो अर्थ क्या होगा, अगर हमारे लीवर में चोट लगे या घाव उत्पन्न हो तो सबसे जल्दी सही होगा, और अगर मस्तिष्क के अंदर चोट लगती है घाव उत्पन्न होता है तो वो सबसे क्या होगा, देरी से सही होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से पुनरुद्भवन क्षमता भी किसमें होती है, लीवर में, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है, लीवर होती है। ठीक है, अब कितना होता है इसका भार, 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, लगभग इसकी इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, और इसका रंग पाया जाता है हल्का लाल भूरा। कैसा होता है, लाल भूरा रंग पाया जाता है। अब एक फैक्ट और अलग से याद रखना है, देखो हमारे अंगों का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जैसे हम आंख का भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हार्ट का भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लीवर का जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो लीवर को, पूरे लीवर को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम नहीं करते हैं ट्रांसप्लांट। ठीक है, क्या करते हैं, लीवर का कुछ भाग लेकर उसे एक दूसरे व्यक्ति में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, तो वो भाग ही पूरे लीवर का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज लीवर के लिए अध्ययन को क्या कहा, क्योंकि लैटिन वर्ड क्या यूज करते हैं, हिपेट, तो अध्ययन क्या कहलाया, स्टडी क्या कहलाई, हिपेटोलॉजी। दूसरा पॉइंट सबसे क्या है, बड़ी ग्रंथि है जिसका भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम है, इसमें पुनरुद्भवन, पुनः रुद्भवन यानी दोबारा से बनने की क्षमता, रीजनरेट होना, दोबारा से बनने की क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसमें पाई जाती है, ब्रेन अर्थात मस्तिष्क में पाई जाती है। अब अगर हम लीवर से संबंधित कार्य देखें, इस लीवर के कार्य क्या पाए जाते हैं, तो देखो कार्यों से पहले अपन को एक चीज याद रखना होगा, लीवर क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि। लीवर क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि, तो सीधा है इसके द्वारा क्या किया जाएगा, कोई पदार्थ छोड़ा जाएगा, और इससे जो पदार्थ छोड़ा जाता है उस स्रावित पदार्थ को कहा जाता है बाइल ज्यूस, पित्त रस। इस पदार्थ को क्या कहा जाएगा, पितरस कहा जाएगा, बाइल ज्यूस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या पूछा गया था, ये नाम आपको अलग अलग क्यों लिखे हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उस समय पहले एग्जाम हुए थे, उसमें क्वेश्चन था कि जो बाइल ज्यूस होता है, पितरस होता है, वो किस ऑर्गन से सिक्रिएट होता है, किस अंग से छोड़ा जाता है, तो वहां पर ऑप्शन न तो लीवर था न यकृत था, और यही दो नाम ज्यादा यूज किए जाते हैं इसके, वहां पर ऑप्शन क्या था, जिगर, बाकी दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा था, पित्ताशय। तो पित्ताशय और पित्त ज्यादातर हिंदी मीडियम वालों ने तो नाम मिलता जुलता देखकर क्या कर दिया, पित्ताशय कर दिया, भाई पित्त है तो पित्ताशय से ही छोड़ा जाएगा, लेकिन ये छोड़ा किसके द्वारा जा रहा है, इस लीवर के द्वारा, ये लीवर इस पितरस को छोड़ रहा है, और ये इसके छोड़ने के बाद इस थैले जैसी संरचना में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। पित्त क्या है यहां पर, बाइल क्या है, स्टोरेज किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, तो पित्ताशय तो केवल क्या कर रहा है, पित्त को इकट्ठा कर रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है, छोड़ा किसके द्वारा जा रहा है, इस लीवर के द्वारा। अब देखो पित्ताशय कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें नहीं पाया जाता है, जैसे घोड़े के अंदर पित्ताशय नहीं होता है, पित्त की थैली बोलते हो जिसको, कई बार जिसमें पथरी स्टोन भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो घोड़े के अंदर नहीं होता है, चूहे के अंदर भी नहीं होता है, और खरगोश के अंदर भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इन तीनों जीवों में गोल ब्लेडर अर्थात पित्ताशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो पितरस छोड़ा किससे गया, लीवर से, या यकृत, जिगर, या कलेजे के द्वारा छोड़ा जाता है, लेकिन स्टोरेज इकट्ठा कहाँ हुआ, पित्ताशय में। किस में नहीं होता है, पित्त की थैली पित्ताशय नहीं होता है, घोड़े में नहीं होता, चूहे में नहीं होता, और खरगोश में नहीं पाया जाता है। अब देखो कार्य क्या होंगे, सबसे पहले तो देखो लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, ये जो जहरीले पदार्थ होते हैं ना, टॉक्सिनिक जो मेटीरियल पाए जाएंगे, उन जहरीले पदार्थों को क्या करता है, सामान्य पदार्थों में क्या करता है, परिवर्तित करता है। जो टॉक्सिनिक मेटीरियल होंगे उनको क्या करता है, सिंपल मेटीरियल में चेंज करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें,
जो अमोनिया होती है, ठीक है, अमोनिया जो पाई जाती है, ये अधिक हानिकारक पदार्थ है किसकी तुलना में, यूरिया की तुलना में, किसकी तुलना में, यूरिया की तुलना में। यूरिया क्या है, कम हानिकारक है, ठीक है, हार्मफुल इतना अधिक नहीं होता है, किसकी तुलना में, अमोनिया की तुलना में, और अमोनिया क्या होता है, अधिक हानिकारक होता है, और इसीलिए लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को किस में बदलेगा, यूरिया में, अधिक हानिकारक पदार्थ को किस में बदल दिया, कम हानिकारक पदार्थ में बदला, तो एक प्रकार से ये क्या कर रहा है, जहरीले पदार्थों को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है, इसीलिए लीवर को कहा जाता है शरीर की बायो केमिकल लैब, ठीक है, बायोकेमिकल लैब, ठीक है, जैव रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है, लीवर को, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहरीले पदार्थों को क्या करता है, समाप्त करता है, कम हानिकारक में बदलता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, आपसे पूछ लिया जाए यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, तो ज्यादातर ऑप्शन कहां जाएगा, किडनी पर ध्यान जाता है, भाई किडनी के अंदर यूरिया का निर्माण होगा, लेकिन किडनी तो केवल यूरिया को क्या करेगी, छानने का कार्य करेगी, यूरिया बना कहां पर है, लीवर के अंदर, किस चीज से बना है, अमोनिया से, तो यूरिया का निर्माण भी कहां पर हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है, जिसमें एक अणु बनने के लिए 3 ATP ऊर्जा क्या हो जाती है, समाप्त होती है या खर्च होती है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो 3 ATP ऊर्जा क्या होती है इसके लिए, नष्ट होती है, तो एक कार्य तो क्या हो गया कि अमोनिया से किसका निर्माण कर रहा है, यूरिया का निर्माण कर रहा है, ठीक है। दूसरा अगर कार्य देखें तो लीवर के अंदर कुप्फर नाम की क्या पाई जाती है, कोशिका होती है, क्या होती है, कुप्फर नाम की क्या होती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जो ये कुप्फर नाम की कोशिकाएं होती हैं किसका निर्माण करती हैं, आरबीसी के निर्माण में, ये सॉरी आरबीसी के निर्माण के दौरान, अब आरबीसी का निर्माण लीवर में कब होगा, शिशु अवस्था में, चाइल्ड स्टेज में होता है केवल, तो आरबीसी के निर्माण के लिए क्या होती हैं, ये सहायक होती हैं, तो आरबीसी के निर्माण में क्या होती हैं, सहायक होती हैं, ठीक है। इसके कुछ और कार्य भी होते हैं इंपॉर्टेंट, पाचन के दौरान भी पित्तरस कार्य करता है, ठीक है, उससे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो अगर इसके बाद हम लीवर के कार्यों से संबंधित देखें तो दूसरा कार्य क्या होता है, देखो इसका, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज पाई जाती है, ठीक है, इस ग्लूकोज को ये क्या करता है, ग्लाइकोजन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, किसमें बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अब देखो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लूकोज का किसमें बदलना, ग्लाइकोजन में बदलना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो इस ग्लाइकोलाइसिस का कार्य क्या होता है, या फायदा क्या होता है, शरीर में लाभ क्या है, जो ग्लूकोज हमारे शरीर में एक्स्ट्रा मात्रा में पाई जा रही है उसको ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में क्या कर लिया जाता है, स्टोरेज कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और उससे फायदा या लाभ क्या होता है, जब मनुष्य को भोजन प्रदान नहीं किया जाता है तो उस समय हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ग्लाइकोजन से प्राप्त क्या होती है, तो सीधा हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन शरीर में क्या है, स्टोरेज फूड है, संचित क्या है, भोजन है, ग्लाइकोजन शरीर के अंदर क्या है, संचित भोजन है, जिसका निर्माण कहां पर हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है, ठीक है, और इसकी मात्रा लगभग एक वयस्क व्यक्ति में पाई जाती है 550 ग्राम, कितनी होती है, लगभग 550 ग्राम, जिसका अधिकांश भाग किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है। तो दूसरा कार्य क्या हो गया कि एक ग्लूकोज को किस में बदलने का कार्य कर रहा है, ग्लाइकोजन में। इसके अलावा एक ग्लूकोज को देखो केवल ग्लाइकोजन में नहीं बदलता, अगर ग्लूकोज की मात्रा कुछ अधिक हो जाती है तो उस समय ग्लूकोज को एक अन्य पदार्थ में भी परिवर्तित कर देता है, और अन्य पदार्थ में परिवर्तित किसमें करता है, लिपिड्स में, किसमें परिवर्तित करता है, लिपिड्स में परिवर्तित करता है, जिसको लिपोजेनेसिस के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो पहला कार्य अपन ने देखा था कि अमोनिया से किसका निर्माण कर रहा था, यूरिया का, दूसरा अपन ने देखा ग्लूकोज से क्या बना रहा है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है,
संचित भोजन स्टोरेज फूड है, जिसका हम कब भोजन की कब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं, जब हमारे शरीर को भोजन प्राप्त नहीं हो। इसके अलावा ग्लूकोज को किस में बदल रहा है, लिपिड्स में बदलने का भी क्या करता है, कार्य करता है। इसके अलावा देखो क्या होगा, शरीर के अंदर जो आरबीसी होती है, वैसे तो आरबीसी का डाइजेशन पाचन कहां पर होता है, स्प्लीन में, प्लीहा के अंदर होता है, लेकिन आरबीसी का पाचन किस में भी किया जाता है, लीवर में भी किया जाता है। अब आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, आरबीसी के अंदर जो क्या पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, इससे दो पदार्थों का निर्माण करता है लीवर। अब ये दो पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है बिली वर्डिन, एक पदार्थ तो कौन सा बनेगा, बिली वर्डिन का निर्माण होगा हीमोग्लोबिन से, जो किसमें है, आरबीसी में, और ये बनाने का काम भी कौन सा कर रहा है, लीवर ही कर रहा है। एक निर्माण होगा बिली रूबिन, एक किसका निर्माण होगा, बिली रूबिन का निर्माण होगा। देखो जो बिली वर्डिन होता है इसका रंग हल्का हरा होता है, इसका रंग कैसा होता है, हल्का हरे रंग का होता है, और बिली रूबिन का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो पित्त का जो रंग होगा, क्योंकि ये दोनों किस में पाए जा रहे हैं, पित्त में पाए जा रहे हैं, तो पित्त का रंग कैसा होता है, हल्का हरा और पीला पाया जाता है एक प्रकार से, ठीक है। मैन जो बाइल को पित्त को रंग प्रदान करता है, वो कौन सा रंग प्रदान करता है, बिलिरुबिन प्रदान करता है, ठीक है। अब देखो इस बिलिरुबिन को भी बाद में क्या कर देता है, लीवर परिवर्तित कर देता है, इस बिलिरुबिन से निर्माण करता है यूरोक्रोम का, किसका निर्माण करता है, यूरोक्रोम का। जब आपको कोशिका टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कि यूरोक्रोम किसको रंग प्रदान करता है, यूरिन को। यूरिन का जो पीला रंग पाया जाता है, हल्का पीला रंग जो होता है मूत्र का, वो किसके कारण पाया जाता है, यूरोक्रोम के कारण पाया जाता है। और इस यूरोक्रोम का निर्माण भी कहां पर हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो देखो दोबारा से देख लो इसको, आरबीसी है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है उसे लीवर किस में बदल रहा है, एक तो बिलीवर्डिन में, और एक किस में बदल रहा है, बिलीरुबिन में। इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा होगा, बिलीरुबिन होगा, ठीक है, बिलीरुबिन में बदला। अब इस बिलीरुबिन से किसका निर्माण हो रहा है, यूरोक्रोम का, जो किसका निर्माण प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, यूरिन को, हल्का पीला रंग प्रदान करता है। अब देखो एक फैक्ट और इससे इंपॉर्टेंट क्या आता है, अधिकांश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। देखो जो बिलीरुबिन होता है, एक वायरस पाया जाता है, ठीक है, उस वायरस का नाम है हिपेटाइटिस वायरस। कौन सा वायरस होता है, हिपेटाइटिस वायरस होता है। इस हिपेटाइटिस के इन्फेक्शन के कारण इस बिलीरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे नाखून है, त्वचा है, या आंखें हैं, इनका रंग कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है, और उस अवस्था को हम कहते हैं पीलिया या जॉइंडिस रोग। क्या कहा जाता है, पीलिया या जॉइंडिस रोग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या भी कह देते हैं, हिपेटाइटिस भी कह देते हैं, ठीक है। तो पीलिया या हिपेटाइटिस में हमारा कौन सा अंग इफेक्टिव होगा, लीवर होगा। क्योंकि लीवर क्यों हुआ, क्योंकि ये किसके अंदर पाया जा रहा है, लीवर के अंदर बाइल जीवस के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इसका चौथा कार्य हो गया। अगला इससे संबंधित पॉइंट देखे पांचवा, ठीक है। तो पांचवा देखो, बाइल जूस जो है, पित्त रस जो है, ठीक है, जो पितरस पाया जा रहा है, जो किसके द्वारा छोड़ा जा रहा है, लीवर के द्वारा ही, इसके अंदर पाए जाते हैं लवण, साल्ट। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लवण यानी साल्ट पाए जाते हैं। और ये जो साल्ट होते हैं, ये किसका पाचन करते हैं, वसा का। किसका पाचन करते हैं, वसा का, अर्थात फेट का क्या करेंगे, पाचन के करेंगे। ये क्या करते हैं, जो लार्ज मोलिक्यूल है, बड़े अणु है, उनको किस में बदलेंगे, छोटे अणुओं में बदल देंगे। और बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलना इमल्सिफिकेशन, अर्थात पायसीकरण कहलाएगा, जिसको पाचन ही कह सकते हैं। क्या कहलाएगा, पायसीकरण। अब देखो प्रश्न क्या क्या इंपॉर्टेंट इससे बनता है, आपसे पूछ लिया जाए, अभी तक जो भी हमने रस देखे हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस हो, जठर रस हो, या लार हो, उन सभी में एंजाइम पाए जा रहे थे। तो ऐसा रस कौन सा होगा जिसके अंदर एंजाइम अनुपस्थित होंगे, तो इसके अंदर एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो पित्त रस के अंदर कोई भी एंजाइम
नहीं पाया जाता है, फिर भी ये क्या करता है, पाचन करता है, और पाचन किसका करता है, वसा का। तो लीवर में केवल एक ही चीज का पाचन होता है, किसका पाचन किया जाता है, फैट का पाचन किया जाता है, बाकी किसी भी पोषक के पाचन में सहायक नहीं होता है। अब देखो ये बताओ, क्या भोजन लीवर में इंटर कर रहा था? भोजन तो आमाशय से स्टोमच से कहां जा रहा था, छोटी आंत में जा रहा था, केवल ये जो जूसिस के द्वारा पितरस छोड़ा जा रहा है, पित्ताशय से डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ये छोटी आंत में जाकर क्या करता है, पाचन की क्रिया करता है। ठीक है, एक बार इस पूरे को हम दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले बताया था आपको लीवर के लिए कौन सा लेटिन वर्ड बताया था, हिपेट या हिमेट? हिपेट। तो हिपेट जो वर्ड है वो लीवर के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा वर्ड जो हिमेट बताया था आपको, हिमेट किसके लिए होता है, ब्लड के लिए होता है। तो लीवर की स्टडी को क्या कहा, हिपेटोलॉजी, और ब्लड की स्टडी क्या कहलाएगी, हिमेटोलॉजी कहलाएगी। ब्लड की स्टडी क्या है, केवल एक अक्षर का अंतर है, ब्लड के लिए हिमेट और लीवर के लिए क्या है, हिपेट। तो लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी और ब्लड का अध्ययन क्या कहलाएगा, रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिमेटोलॉजी। दूसरा लीवर क्या है, ग्रंथि है, और ग्रंथि का अर्थ बताया था कि जो अपने शरीर से किसी भी पदार्थ को क्या करे, छोड़े। जैसे भाई मान लो मार करे, मारकर अपने शरीर से इंक को सिक्रिएट कर रहा है, तभी तो इसे लिख पा रहे हैं, तो ये ग्रंथि की तरह काम कर रहा है। तो जो अंग अपने शरीर से किसी पदार्थ को छोड़ता हो वो ही क्या है, ग्रंथि। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर, जिसका भार बताया था कितना होता है, 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम। इसके बाद आपको बताया था कि लीवर के अंदर रीजनरेशन, री का अर्थ क्या होगा, दोबारा, और जनरेशन, जनरेट होना, निर्माण होना, दोबारा बनने की क्षमता, रीजनरेशन कैपेसिटी, पुनरुद्भवन क्षमता सबसे क्या होती है, ज्यादा, और सबसे कम किस में होती है, मस्तिष्क में। तो सबसे जल्दी चोट किसकी सही होगी, एक प्रकार से लीवर की, और सबसे देरी से मस्तिष्क की होती है। ठीक है, इसके बाद आपको बताया था लीवर के कार्य के बारे में। ये बताओ यूरिया का निर्माण कहां पर होता है, लीवर के अंदर होता है यूरिया का निर्माण, जिसमें आपको बताया था कि 3 ATP ऊर्जा क्या होती है, एक अणु बनने के लिए खर्च होती है, और बनता किससे है, अमोनिया से। किससे बनता है, अमोनिया से। तो अमोनिया से यूरिया का निर्माण भी कहां पर हो रहा था, लीवर के अंदर हो रहा था। दूसरा आपको बताया था कि ग्लूकोज को किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में, जो हमारे शरीर में क्या है, इकट्ठा किया हुआ भोजन होता है, स्टोरेज फूड है। ठीक है, जिसकी ज्यादातर मात्रा भी लीवर में ही होती है। कितनी मात्रा होती है टोटल एक वयस्क में, 550 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी बदला, और ग्लूकोज को लिपिड में भी चेंज कर रहा है। ठीक है, इसको लिपोजेनेसिस और इसको ग्लाइकोजेनेसिस नाम दिया। अगला कार्य देखा कि आरबीसी से ये क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, उससे दो वर्णक बनाता है, पिगमेंट बनाता है, कौन कौन से, एक तो बिलीवर्डिन जिसका रंग हल्का हरा होता है, और दूसरा बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है, हल्का पीला पाया जाता है। अब देखो बिलीरुबिन में दोबारा से परिवर्तन करता है, उसे किस में बदलेगा, यूरोक्रोम में बदलेगा। ठीक है, इस यूरोक्रोम के कारण किसका रंग होता है, यूरिन। शाबाश, जो यूरिन पाया जा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, मूत्र जो होता है उसका हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला कार्य आपको पितरस का बताया कि पितरस में कोई भी एंजाइम तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर साल्ट लवण है, जो फैट का क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण कर रहे हैं, जिसे में एंजाइम अनुपस्थित होते हुए भी ये किसकी क्रिया को दर्शाता है, पाचन की क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो ये लीवर से संबंधित क्या हो गए, कार्य हो गए। अब ये बताओ लीवर से जो पितरस छोड़ा जा रहा है, इसका एक स्टोरेज कहां पर होगा, पित्ताशय, गोल ब्लेडर में, जो घोड़े चूहे और खरगोश में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये हमारे लीवर से संबंधित क्या हो गए, फैक्ट हो गए, जिनसे अधिकांश क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो सीधा फैक्ट से संबंधित हो या इस प्रकार से पूछ ले कि मुख्य रूप से जैसे यूरिया कहाँ बनता है, ये प्रक्रियाएं कौन से अंग के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, थैंक यू।